सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड रिलायंस इंडस्ट्री आज के दिन की अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें तो ज्यादा जंप नहीं है अगर आप लोग देखोगे इससे 22 पॉइंट की जंप 1% की से भी ज्यादा की जंप बट अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखें तब हम लोग को यहाँ पे समझ में आता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लोग को यूनिक चीजें देखने को मिली है मतलब बाजार जैसे स्टार्ट हो गया हम लोग को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली बाद में एक कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा था डाउन ट्रेंड में ही पैटर्न था एंड सडनली 3 बजे के आसपास आप लोग देख सकते जैसे 3 बज गए उसके बाद हम लोग को एक जबरदस्त एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिली है सो जिन लोगों ने इंट्राडे में यहाँ पे शॉर्ट करके चले होंगे एंड बहुत सारे लोग जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनकी तो पूरी तरीके से बैंड बजी जाती है आप सभी लोगों को पता है इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ट्रेडिंग करते हैं हालांकि ट्रेडिंग सभी लोगों को पता है कि कितना पैसा बनता है नहीं बनता है एनीवेज हम लोग उससे रिलेटेड बात नहीं करेंगे बट ये जबरदस्त जंप आप लोगों को ये देखने को मिली है अगर आप चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो वहाँ पे हरा कैंडल्स आप लोगों को बार बार यहाँ पे जंप होते हुए देखने को मिला है सो उसके पीछे की वजह क्या है वो सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे जाननी है अपडेट रहना है उसके बाद आप लोग चाहो वो अपना फैसला यहाँ पे ले सकते हो उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक बार वापस देख लेते 7 सितंबर यहाँ पे हम लोगों को डिलीवरीज देखने को मिल रही है 26% के आसपास के डिलीवरीज तो चलिए अभी उस न्यूज के ऊपर हम लोग आ जाते हैं डिटेल में यहाँ पे जान लेते बट उससे पहले हम लोग को यहाँ पे जाना पड़ेगा विकिपीडिया के ऊपर एंड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा जैसे कि बोफा सिक्योरिटीज यस ये बोफा सिक्योरिटीज है क्या BOFA सिक्योरिटीज आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है बट अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये फाइनेंशियल सर्विसेज वाली इंडस्ट्री में काम करती है हेडक्वार्टर की बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका आप लोग यहाँ पे जान सकते हो उसी के साथ साथ प्रोडक्ट मतलब ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है एंड इसकी पेरेंट की अगर हम लोग बात करें कंपनी की तो बैंक ऑफ अमेरिका है सो बोफा सिक्योरिटीज ने यहाँ पे कुछ एक बहुत बड़ा ऐलान किया जिसके बदौलत ही हम लोग को ये जंप देखने को मिली है वापस कहना चाहूंगा जो भी बातें मैं बोलने वाला हूँ ये मेरी तरफ से नहीं है बोफा सिक्योरिटीज ने जो बातें बोली है वही मैं आप लोगों को यहाँ पे आसान भाषा में शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बताने वाला हूँ सो आपको खुद को अपडेट करने के लिए डेफिनेटली ये चीजें काम आ जाती है सो दोस्तों बोफा सिक्योरिटीज ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आफ्टर बिल्डिंग अ डिजिटल लेयर मतलब जियो प्लेटफॉर्म की बात करें ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग फिजिकल लेयर ऑफ रिलायंस रिटेल शॉप्स Reliance industry would over the next 4 years focus on adding a third layer of a commerce and monetize the existing investment, BOFA Securities said. So, बहुत ही गजब का यहाँ पे statement हम लोग को BOFA Securities से related देखने को मिला है Reliance industry के बारे में. Actually, और भी कुछ उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है जिसके बदौलत हम लोग को यहाँ पे मतलब BOFA Securities ने जो बातें बोली है वो Reliance industry के कुछ फेवर में बोली है एंड ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है चार्ट पैटर्न देख के हम लोग को समझ में आता है कि इतनी बड़ी जंप हम लोग को देखने को मिली है बोफा सिक्योरिटीज ने यह भी कहा कि रिलायंस का फिलहाल का जो परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है बहुत सारे बिजनेस में एंगेज जरूर है रिलायंस बट यूजुअली जो फिलहाल का जो फुटप्रिंट की अगर हम लोग बात करें तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस दे रहे हैं अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोग पता है जो रिलायंस का जो अर्निंग फिलहाल यहाँ पे चल रहा है हम लोग कह सकते हैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम डिजिटल एड्स भी है डिजिटल लेंडिंग भी है एंड अलग अलग जो इवेंट्स रहते हैं जैसे कि हम लोग कह सकते हैं IPL भी अभी शुरू होने वाला है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 19 सितंबर से कुछ शुरू होने वाला है कल ही कुछ शेड्यूलिंग हो चुकी थी सो डेफिनेटली यहाँ पे रिलायंस का भी उसमें बहुत कुछ हिस्सा रहता है आप सभी लोगों को पता है उसी के साथ साथ KBC कौन बनेगा करोड़पति ये भी आप लोगों को पता है उनके भी रिलायंस के जो एंगेजमेंट है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं सो ओवरऑल जो ये एंगेजमेंट का जो फायदा रहेगा वो इनके जो डिजिटल अर्निंग्स है प्लेटफॉर्म से उनको ही यहाँ पे मिलने वाला है जो कि एक बोफा सिक्योरिटीज ने अपने जो एनालिसिस किए वो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे सबके सामने रखी हुई है दोस्तों अभी तक जो बोफा सिक्योरिटीज ने जितनी भी बातें बोली थी उसमें से सबसे कोई स्ट्रांग उनका जो कहना रहेगा वो फिलहाल यही है ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years ऑब्वियसली ये 3 to 5 months की बात नहीं करें 3 से 5 साल के ऑब्वियसली ये जो बड़े बड़े सिक्योरिटीज रहते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रहते हैं वो लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं तो उन्होंने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें बोली जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू हैव 500 मिलियन मोबाइल यूजर्स 500 मिलियन मोबाइल यूजर मतलब हम लोग कह सकते हैं 50 करोड़ का पॉपुलेशन यस दोस्तों 50 करोड़ एंड वो कब की बात हो रही है 3 से 5 साल अभी फिलहाल हम लोग 130 करोड़ है 3 से 5 साल में हम लोग डेफिनेटली हम लोग 150 करोड़ हो जाएंगे एंड उसमें से 50 करोड़ मतलब आप लोग यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो पूरे पॉपुलेशन का हम लोग कह सकते हैं 1/3 यहाँ पे जो मोबाइल यूजर रहने वाले हैं वो रिलायंस जियो के हो सकते हैं ये मेरी बात नहीं है ये बोफा ने यहाँ पे रखी है जिसके बदल हम लोगों को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है उसी के साथ साथ अगर हम लोग ऑफर ब्रॉडबैंड सर्विसेज की बात करें तो 20 से 25 मिलियन हाउस होल्ड यहाँ पे रहने वाले हैं एंड उसी के साथ साथ
12 टू 15 मिलियन स्मॉल बिजनेस भी कैटर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट है। अगर मैं जियो की बात करूँ तो ऑलरेडी 388 मिलियन यूजर ऑलरेडी यहाँ पे जियो कैप्चर करके बैठा हुआ है। सो उसमें जो ग्रोथ रहेगी वो 500 मिलियन तक की पहुंचने की है, ऐसे बोफा सिक्योरिटीज ने यहाँ पे कुछ बातें बताई है। दोस्तों बोफा सिक्योरिटीज ने और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे कि पिछले 4 साल में रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे कुछ चीजों के ऊपर काम कर रही है, जैसे कि डिजिटल लेयर तो उन्होंने बना ली है जो कि हम लोग कह सकते हैं जियो को मद्देनजर रखते हुए, एंड उसी के साथ साथ फिजिकल लेयर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि रिलायंस के रिटेल शॉप को हम लोगों को देखने को मिला है। सो अगर हम लोग इंडिया की जड़ पकड़े तो आप सभी लोगों को पता है कुछ इंडिया ऐसा है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड है, आप सभी लोग पता है, बट कुछ इंडिया ऐसा भी है जहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी तक पहुंचा नहीं है। सो ऐसे इसमें फिजिकल लेयर का ही बहुत ज्यादा काम होने वाला है। एंड फिलहाल अगर हम लोग रिलायंस की बात करें तो उन्होंने दोनों लेयर्स यहाँ पे कैप्चर करके रखे हुए हैं। सो फ्यूचर के लिए 3 से 5 साल के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। सो बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस है जो कि बोफा सिक्योरिटीज ने यहाँ पे की है, जो कि हम लोग नहीं सोच सकते थे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या सॉलिड स्ट्रेटेजी यहाँ पे एप्लीकेबल की है, जो कि हम लोग को यहाँ पे पढ़ के यहाँ पे अंदाजा आ रहा है। एंड दोस्तों जो चीज मैं अभी आप लोगों को बता रहा था वही डेटा मुझे नीचे भी मिल गया, आप लोग देख सकते 388 मिलियन सब्सक्राइबर ऑलरेडी फाइनेंशियल 20 में हम लोगों को जियो के देखने को मिल रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ रिलायंस का जो टाई अप हम लोग को व्हाट्सएप के साथ साथ हम लोगों को देखने को मिल रहा है, एंड वो भी कैसा होने वाला है, डिजिटली होने वाला है, एंड उसका जो फायदा होने वाला है रिलायंस रिटेल को भी होने वाला है, जैसे कि डिलीवर अ ग्रोकरी आइटम्स फ्रॉम अ लोकल किराना स्टोर टू द कस्टमर। एंड अगर मीन्स इस सबको अगर हम लोग जोड़ के देखे तो बोफा सिक्योरिटीज ने जरूर कहा है कि अमेजोन अलीबाबा उसी के साथ साथ टेंसेंट इनको ये बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे टक्कर देने वाली है, एंड रिलायंस यहाँ पे अपने शेयर होल्डर के लिए वैल्यू यहाँ पे रिटेन रख सकते हैं उनके कस्टमर्स के प्रति। सो बहुत ही जबरदस्त ये सारी कॉमेंट्री हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली, जिसके बदौलत रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइस में हम लोग को आखिरी घंटे में चंद कुछ मिनट्स में इतनी भयंकर जंप देखने को मिली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री फिलहाल जो फोकस यहाँ पे कर रही है हम लोग जरूर कह सकते हैं ईडी टेक के ऊपर, हेल्थ टेक के ऊपर, एंड एग्री टेक सर्विसेज के ऊपर भी यहाँ पे फोकस रख रही है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जितनी भी बातें बोली जा रही है बोफा सिक्योरिटीज के बारे में बोली जा रही है उन्हीं ने यहाँ पे टिप्पणी की है, वी ऑल्सो बिलीव गेमिंग विल पिकअप इन इंडिया एज द कंट्री हैज यंग पॉपुलेशन मिक्स। सो गेमिंग आप सभी लोगों को पता है फिलहाल ही पबजी बैन हुआ था, बहुत सारी हम लोग को यंग स्टर्स की जो प्रतिक्रिया थी वो भी देखने को मिली, एंड फ्यूचर में आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा गेमिंग अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 90s के जमाने में हम लोग जरूर कह सकते थे कि गेमिंग एक खराब सोर्स है, मतलब वहाँ पे इनकम जनरेट नहीं होता ऐसे हम लोग बोलते, बट आप सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आगे जितना हम लोग बढ़ेंगे कि गेमिंग एक करियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। सो बोफा ने ये भी कहा है कि रिलायंस के पास फिलहाल यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, सो डेफिनेटली वो कभी भी इन सारी चीजों को कैच यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। एंड रिटेलिंग की बात करें किरानास की तो आप सभी लोगों को पता है उनका B2B बिजनेस भी सेल्स यहाँ पे कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर कोई आखिरी अगर हम लोग बात करें वीडियो क्लोज करने से पहले तो आप सभी लोगों को पता है कि जो प्लेटफॉर्म में हम लोग को 13 इन्वेस्टर आते हुए देखने को मिले थे उसमें फेसबुक भी है, जियो भी है। सो रिलायंस को कोई भी यूनिट को अगर इंक्रीज करना है तो ये बहुत ही आसान यहाँ पे होने वाला है। सो वीडियो को क्लोज करते वक्त यही कहना चाहूंगा दोस्तों ये सारी चीजें ये सारी बातें आप लोगों को ये बोफा सिक्योरिटीज ने बोली है, आप लोग चाहो तो गूगल के ऊपर भी सर्च करके देख सकते हैं बोफा सिक्योरिटीज कमेंट ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ने को मिल जाएगी। डेफिनेटली ये कोई मेरा स्टेटमेंट नहीं है, बट हम लोग जरूर कह सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, अभी कंपनी बहुत ज्यादा चल चुकी है, बट हम लोगों अगर बात करें रिलायंस रिटेल से रिलेटेड अभी सभी लोगों की नजरें लगी हुई है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सिल्वर लेक ने बीच में अनाउंस मतलब एक रिपोर्ट्स के द्वारा न्यूज आ रही थी कि शायद से रिलायंस इंडस्ट्री के रिटेल बिजनेस में वो लगभग 1.5% से 2% के बीच में हिस्सा खरीद सकती है। सो अगर ऐसा हो जाता है तो आप सभी लोगों को पता है कि हिस्सा अगर बेचा जाएगा तो ये बड़ी न्यूज नहीं है, बट अगर वो हिस्सा बेचा जाएगा मतलब उसके बाद इन्वेस्टर्स की लाइन लग जाएगी, जो कि हम लोगों ने जियो में देखने को मिला था। सो वैसे ही कुछ यहाँ पे रिलायंस में अगर बाद में हो जाता है तो वापस एक जंप हम लोग को शायद से देखने को मिल सकती है। सो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आप सभी लोगों को और कोई फर्दर डिटेल्स बताने की जरूरत है नहीं, जो लोग भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल है उनको जरूर पता है, जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते वो कर सकते हैं, जो लोग होल्ड करना चाहते वो होल्ड कर सकते हैं, मैं कभी भी उनको रोकता नहीं हूँ, बट जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे बातें थी वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड ये इतनी बड़ी जंप हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली, मतलब मैं आप लोगों को बता सकता हूँ लगभग जो लो आज के दिन का हम लोग को देखने को मिलता था 2044 का लो था, एंड सडनली जो हाई हम लोगों को देखने को मिला है
2105, मतलब कितनी बड़ी जंप हम लोग को एक गैप यहाँ पे देखने को मिली, लगभग 60 पॉइंट से भी ज्यादा की जंप हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। सो इसके पीछे का रीजन ये था BofA Securities के पॉजिटिव कमेंट्री टुवर्ड्स द रिलायंस इंडस्ट्री, ये जरूर बताते कि आने वाले साल कुछ 3 से 5 सालों में ये कंपनी और भी जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकती है। कोई नेगेटिव न्यूज है तो आप सभी लोग बताए कि फिलहाल जो सऊदी अरेमको की जो डील है उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा बड़ा अपडेट नहीं आ रहा है जिसके ऊपर हम लोग भरोसा रखें। तो फिलहाल अगर वो डील कैंसिल हो जाती है तो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर प्राइस में जबरदस्त गिरावट आ सकती है। पर आप सभी लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर वो गिरावट आ जाती है तो वहां पे मौका उठा के जरूर आप लोगों ने बाइंग करनी है, क्योंकि रिलायंस की जो डिपेंडेंसी थी सऊदी अरेमको की डील से रिलेटेड वो खत्म हो चुकी, क्योंकि वो नेट डेट फ्री उनको करना चाहते थे। हालांकि जियो प्लेटफॉर्म का यूज करके उन्होंने खुद को नेट डेट फ्री कर लिया, सो डेफिनेटली उनका जो टारगेट था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। सो दोनों तरफ से मैंने आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे अपडेट करके रख दी है। सो आई आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।